लखनऊ में सीएम योगी ने दो नए फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। भगवान लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का भी किया अनावरण। औरैया में पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल का हुआ जोरदार स्वागत, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने दिया बयान, केशव प्रसाद मौर्य पर भी बोले अखिलेश यादव। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों पर अधिकारी रखेंगे पैनी नजर। औरैया में नवविवाहिता की आग लगने से हुई मौत, मृतक के परिजनों ने दहेज मांगने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ वासियों को दो बड़ी सौगात दी है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भगवान राम के अनुज लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और शहीद पथ को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले फ्लाईओवर नगराम रेलवे ओवरब्रिज क्लोवर लीफ ब्रिज का लोकार्पण किया गया है। सीएम ने कहा कि यूपी विकसित अर्थव्यवस्था की ओर लगातार अग्रसर है, यूपी अब बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एडवांटेज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को व्यापार बना दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की मांग है जाति की जनगणना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम से ज्यादा बेहतर कौन समझेगा कि गुंडा कौन है, वो डिप्टी सीएम है और उनके मुकदमे वापस हुए हैं और उनके अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा के आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियाँ कितनी गंदी बह रही हैं और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती, और बीजेपी से मैं कहूँगा महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें, कर्ण ने क्या फील किया था, रामसारी दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मिरथ लिखी है उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो उस दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है, ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीन है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। द्रोणा इंटरनेशनल स्कूल में नर्सिंग की परीक्षा देने आए छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर छात्राओं से छेड़छाड़ और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पलवल रोड जाम कर प्रदर्शन और परीक्षा का बहिष्कार किया है। पुलिस प्रशासन ने से नाराज छात्रों ने बातचीत कर जाम खुलवाया। छात्रों ने नर्सिंग परीक्षा की दूसरी तिथि तय करने की प्रशासन से मांग की है। राम मनोहर लोहिया संस्थान का एग्जाम था सिस्टर ग्रेड टू का, ये दो शिफ्टों में था यहाँ ड्रोन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर, कि एक तो मॉर्निंग शिफ्ट थी एक आफ्टरनून शिफ्ट थी। इसमें क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, कंप्यूटर इतने पर्याप्त नहीं है, जितनी स्ट्रेंथ थी कैंडिडेट की एग्ज़ाम देने की 220 की थी, मगर कंप्यूटर लगभग 80 के करीब ही तैयार थे, और ऊपर से ना बिजली की सुविधा है, तो इसको देखते हुए कि यहाँ पे इसको कम्युनिकेट किया गया ऊपर राम मनोहर लोहिया संस्थान से, जो कंपनी थी कंपनी के बंदे भी सफिशेंट नहीं थे, पूरे नहीं थे जो एग्ज़ाम कराते, तो सब पूरा कम्युनिकेट किया गया राम मनोहर लोहिया संस्थान को। राम मनोहर लोहिया संस्थान ने भी लेटर भेज के ये डिसीजन लिया है कि ये एग्ज़ाम 7 सेंटर पर कुल मिलाकर, जिसमें ड्रोन इंटरनेशनल स्कूल भी है, आज का कैंसिल किया जाता है। इसकी अगली डेट नोटिस के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन का उनके माध्यम होगा उसका।
में एक महिला ने पहले तो अपनी नानी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर बाद में खुद फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला की नानी इलाज के लिए उसके घर आई हुई थी। महिला के द्वारा आत्महत्या किया जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मृतक महिला के ससुराली जनों से आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के साथ ही पूछताछ करते हुए जांच में जुट गई है। मैं कॉल करी अब बुने मेरी बॉस की दुकान पे, मैं काम करता हूँ वहाँ पे, नहीं ऐसी मैटर हो गया, मैं आया घर पे भागा भागा, मेरी अंदर से कुंडी लगी हुई और फिर मैं अपने पुलिस लोगों को इन्फॉर्म करो, फिर मैं आता हूँ, मैं दुकान से पैसे लेने गया। मैं टाइम हो गया आपकी शादी को? हो गया 8 महीने करीब हो गए। 8 महीने कहाँ से हुई? हरिद्वार से। क्या नाम है लड़की का? सोनम। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? ना जी, कोई कुछ नहीं था, ना किसी लड़के से, ना ससुर से, ना किसी, नहीं। किसी से। आज अपने आप ही इसने फांसी ली, अपने आप ही देख लो, किसी से क्या था, मिली भी हो या क्या, किसी ने कुछ करा हो। कुंडी इसने अपने आप लगाई? अपने आप लगाई जी कुंडी, मत पड़ी यही पड़ी रहूं मैं। अच्छा। मेरे को खड़े नहीं थे घर पे, कोई था ही नहीं? ना जी कोई नहीं था, मैं ही बैठी थी यहाँ से। अमरोहा के गांव बुराबली के सरकारी स्कूल में नौनिहालों के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल स्कूल में चल रहे मरम्मत कार्य में मजदूरी करते नजर आए और स्कूल की छत पर रखी ईंटों को ढोते हुए बच्चे देखे गए, जिसकी वीडियो कैमरे में कैद हो गई है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने स्कूल के इंचार्ज से बात की तो उन्होंने पूरे मामले को गलत बताया और कहा कि काम मजदूरों का है, बच्चों का नहीं। लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई होगी, इस बारे में वह कुछ नहीं बता पाए। जहां मौके पर ही गंगेश्वरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़क वंश भी पहुंचे और पूरे मामले पर कार्रवाई की। पीछे पीछे पड़ी थी, वो टंकी ठीक करा रहे हैं तो ऊपर ऊपर छत पे चढ़ कर, क्योंकि गंदा टंकी तोड़ जाते हैं 4 बार तोड़, तो आज उन्होंने बुलाया राजेंद्र चिराई करो। अच्छा मठ साहब, जिस तरह से पढ़ाई का समय था, लंच भी नहीं हुआ था, बच्चे भी धो रहे थे छत पे, धो रहे काफ़ी समय थे, तो ये तो गलत है। निरीक्षण करा तो बच्चे विद्यालय के छत पे जो ईंटें ढो रहे थे, मैंने पूछा बच्चों क्या कर रहे हो, बोले हम ईंटें ढो रहे हैं, बोले किताब नहीं पढ़ रहे, बोले हमें जो है ईंटें ढोने के लिए काम पे लगाते, तो बताओ ईंटें ढोंगे, ये किताबें नहीं है अब दी जाएगी, तो हमारी सरकार जो जिस उम्मीद से कार्यरत पे है, तो ये जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो सरकार को बदनाम करने के चक्कर में लगे, मैं चाहता हूँ। पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल के औरैया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए औरैया मेरा गृह क्षेत्र है, उन्होंने कहा यहाँ के जनपदवासी हृदय में बसते हैं। पूर्व राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध बताया है। इस दौरान समाज सेवी सीपू पाल, मुलायम सिंह समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। हम औरैया तो हमारा गृह क्षेत्र है, दो दो बार औरैया जिले में विधुना से चुनाव लड़े हैं बीजेपी से 2002-2007 में, तो औरैया के लोग तो हमारे हृदय में बसते हैं, तो हम जब कहीं जाते हैं तो औरैया में जरूर रुक लेते हैं। ये सारे लोग जो खड़े हमारे चुनाव में भी काम करते रहे और सारी बातें हैं, मैं तो बस एक ही काम करना चाहता हूँ कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की योजना, योगी जी की योजना, सरकारी योजना कैसे ज़रूरतमंद तक पहुँचे, ये काम करना है। और ख़ास करके जो हमारे बिरादरी के लोग हैं, जो गढ़िया बिरादरी के लोग हैं, जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, और समाज के सर्व वर्ग के जो गरीब आदमी, जो पात्र लोग हैं, उनके पास कैसे पहुँचे, इसके लिए मैं गांव-गांव। कासगंज के अमामपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में युवक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शवों को पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतक युवक युवती के परिजनों को घटना की सूचना दी है। मृतक के परिजनों में शव की जानकारी पर कोहराम मच गया। युवक के परिजनों ने युवती के भाई बहनोई पर घर बुलाकर धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 22 फरवरी को युवती की शादी थी। मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
खबर कुशीनगर से है, जहां संदिग्ध कारणों से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को तहरीर दी और शव का पोस्टमार्टम कराकर घटना की जांच कराने की मांग की है। पूरी घटना थाना कसिया की है, जहां घटना की सूचना पर भाजपा नेता, जिला पंचायत सदस्य नीतीश यादव, सपा नेता राजेश प्रताप आदि लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी हासिल कर परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की और मामले की जांच कराने की बात कही। हमने क्या बोले, जब खादी बजकर रोज छापा मारता लो, अब 50,000-30,000 रुपया रोज हमसे बालो ले लेता, अच्छा पा मातल मार के मुगावता लो, कहे मातल मुगावता लो, कोरी तब नहीं करी तब सिपाही ले जा लो, कहाँ के सिपाही, थाना के ले जा लो, कसिया पड़े ला, अबकारी थाना दूर लेके जाता लो। देखिए, अबकारी विभाग के लोग यहाँ दिन प्रतिदिन यहाँ गरीबों को उत्पीड़ित करते हैं और अवैध वसूली करते हैं, उसी का परिणाम है कि पैसा जबरदस्ती वसूलने के लिए आबाकारी की टीम आई थी यहाँ, और इन ये गरीब हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, वो आबाकारी विभाग को हफ्ता कैसे देंगे। नहीं, इस घटना में कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल निराधार आरोप है, इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। भैंसा हितिमपुर में अवैध शराब बनाने का एक बड़ा अड्डा रहा है, उस पर लगातार पुलिस और आबकारी की टीमें कार्रवाई करती रही हैं और वर्तमान स्थिति में वहाँ बहुत कुछ कंट्रोल भी किया जा चुका है। आज सुबह भी हमारी टीम वहाँ गई थी और नदी के किनारे जो क्षेत्र थे वहाँ पे जो है जो शराब भट्टियाँ थी उनको तोड़ रही थी। इस महिला से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जो पता चला है, बताया जा रहा है कि वो महिला बीमार थी, उसको हॉस्पिटल ले गए थे लोग, उसके बाद जो है उसके घर में उसकी डेथ हुई है। वहाँ जो अवैध शराब बनाने के धंधे में बहुत सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इसको तूल दे रहे हैं कि किसी तरह से आबकारी और पुलिस की टीमें यहाँ दबिश के लिए न आने पाए। इस महिला से कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई से इस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। थाना कस्या अंतर्गत ग्राम भैसाहा टोला सदर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। प्रकरण की सूचना थाना स्थानीय पुलिस को प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर सौ के पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। परिजनों और ग्रामवासियों से पूछताछ पर प्रथम दृष्टया महिला का पूर्व से बीमारी के कारण इलाजरत होना बताया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों सभी पहलुओं पर गहराई से जांच। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर जीडीए का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि जीडीए ने 6 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। जीडीए की टीम पूरे दल बल और बुलडोजर के साथ पहुंची थी। वहीं इस बात पर अधिकारी निगाह रखे हुए थे कि इस तरह के अवैध निर्माण ना किए जा सके, ताकि लोगों को आगे चलकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। संस्था के अनुरूप जो है अवैध जो है रूप से जो है कॉलोनियां जो विकसित हो रही हैं, लोग जो है अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, शासन की मंशा के अनुरूप उनको उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इसको जिससे कि इस तरह से अवैध कॉलोनियां ना डेवलप हों, जो सुनियोजित विकास के तहत ही कॉलोनियां डेवलप हों, लोग जो है लेआउट पास कराएं, इसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और ये प्राधिकरण जो है हमें हर जगह की जा रही है। इस जो यहाँ लोनी में भी सभी जो भी अवैध कॉलोनियां हैं सबके खिलाफ इस तरह से कॉलोनी कार्रवाई की जाए। खबर औरैया से है, जहां एक नवविवाहिता की आग लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आनन फानन में परिजनों ने सफाई भर्ती कराया, जहां 4 दिन युवती का इलाज होने के बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता ने बताया कि मेरी बेटी को दहेज के लिए आए दिन परेशान और मारपीट की जाती थी। वहीं परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। लड़की की शादी साफर गांव में हुई थी, साफर 4 साल पहले। वो जो है घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी सास व उसके पति ने व उसकी मतलब ननद ने व देवर ने व नंदोई ने मारपीट रात को की और सुबह सालपीन का तेल डाल के उसको जला दिया। G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर विदेशी मेहमानों के स्वागत में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों को थीम आधारित स्कल्पचर से सौंदर्यीकरण किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रामणि त्रिपाठी ने बताया कि शहर को संवारने के लिए थीम आधारित
कलात्मक कार्य कराए गए हैं। एयरपोर्ट पर रोटरी विकसित कर वीरवर लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। एयरपोर्ट से कानपुर रोड जाने वाले मार्ग पर वॉल पेंटिंग कार्य के साथ ही फ्लाइंग गर्ल विद अर्थ मॉडल लगाया गया है। शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर जंक्शन पर कारगिल विजय स्मृति का स्कल्पचर, अवध शिल्पग्राम बंदा रोड पर G20 का विशालकाय 3D लोगो वर्टिकल वॉल फाउंटेन स्थापित किया गया है। फाइन आर्टिस्ट मुकेश कुमार ने बताया कि G20 GIS कार्यक्रमों के आयोजन को देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों हेरिटेज जोन में स्क्रैप मटेरियल पर आधारित डांस की मुद्राएं, योगासन, ड्रैगन फ्लाई, तांगा की कलाकृतियां मेहमानों को आकर्षण केंद्र होंगे। लखनऊ में इमामबाड़ा फसाद लाइटों से जगमगाया हुआ है। रोशनी की जगमग से पार्क और स्मारक चमचमा उठे हैं। बिजली के खंभों और पेड़ों पर थीम आधारित लाइटों ने शहर की रौनक बढ़ाई है। मेहमानों के स्वागत में तितली और नमस्ते आकृति की LED लाइटें जगमगा रही हैं। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों के लिए लखनऊ की सड़कें, चौराहे, ऐतिहासिक इमारतें, पार्क और स्मारक रोशनी से जगमगा गए हैं। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में आए क्रिया योग आश्रम अनुसंधान संस्थान के योग गुरु स्वामी योगी सत्यम ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक राष्ट्र भारत के आनंदमय ज्ञान को पूरे विश्व में प्रकाशित करने की अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नैनी जेल में बंद कैदियों का को क्रिया योग आश्रम में 6 महीने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजा जाए तो बड़े से बड़े अपराधी शांति के मार्ग पर चल पड़ेंगे और अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सत्य हिंसा का देश है। भारत में इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना व्यवहार है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ करके रहते हैं। यहाँ का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे यहाँ जेल ना हो। तो जेल ना हो, इसको कैसे किया जाए? हमने प्रयोग करके देखा है कि जो क्रिया अभ्यास करते हैं उनके अंदर से हीन भावना खत्म हो जाती है और जो गलती किए हैं स्वयं एक्सेप्ट करके गलती को दूर करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाते हैं। जैसे यहाँ का नैनी जेल है, अगर नैनी जेल के सारे कैदियों को क्रिया आश्रम में कर दें और उनसे कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा ना करें, उसको बंद कर दें थोड़े दिनों तक, 6 महीने अभ्यास करें और खाना पीना हमारे अनुसार उनको दिया जाए, बस पुलिस प्रोटेक्शन रहे, वो 6 महीने उनके अंदर जांच कर लें क्या परिवर्तन हुआ। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।